राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली, आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि मेरे मतलब बच्चों के पापा की फेवरेट रेसिपी है। इसको मैं करीब 4 साल पहले अपने घर में बनाती थी और मैं भी भूल चुकी थी, ठीक है ना। तो आज इन्होंने याद दिलाया और टाइम मैंने आपको दिखाया है, रात के 10:30 बजने वाले हैं और हम सो ही चुके थे सही मायने में। तो मतलब जो दोनों बेटियाँ हैं ये सोने की तैयारी कर ही रही थी, मैं भी बस नींद में आई चुकी थी और मेरा बेटा सो चुका है और ये भी सोने ही वाले थे। पता नहीं क्या इनके याद आया, उठ के ये किचन में आ गए। तो मैंने आके देखा, कर क्या रहे हैं आप? बोले मुझे सुबह को वही जो है नाश्ता खाना है जो तू 4 साल पहले बनाती थी, मुझे बहुत टेस्टी लगता था। अब उसके लिए कुछ तैयारी हमें पहले से ही करके रखनी होती है। नींद तो मुझे आ ही रही थी, मैंने इनको मना भी किया था कि कल बना दूंगी, अब जिद पकड़ के बैठ गए, नहीं मैं तो आज ही बनाऊंगा और मैं तो खुद ही भिगो देता हूँ उसमें कुछ जो है ना, मतलब जैसे चने वगैरह है, छोले वगैरह, राजमा वगैरह है, कुछ दालें वगैरह भिगोनी होती है। तो ये अपने आप ही डब्बे वगैरह उठा के लेके आ गए। तो यहाँ पर ये दोनों बाउल लेके आ गए हैं, एक में डाले हैं इन्होंने थोड़े से छोले, थोड़े से चने और यहाँ पर ये साबुत मूंग, थोड़ी सी किशमिश डाल दी है, साथ में डाली है थोड़ी सी ये कच्ची मूंगफली और साथ में डाल दिया यहाँ पर थोड़े से बादाम। तो दोनों ही चीज़ें जो है मतलब ये सारी चीज़ें हैं, इनको अलग अलग क्यों भिगो रहे हैं? क्योंकि इनमें कुछ चीज़ें उबलेंगी और कुछ ऐसे ही भीग के फूल के रह जाएंगी। तो जो बड़ी बाउल है उसमें चने, छोले और राजमा, तीनों चीज़ इन्होंने यहाँ पे डाल दिए हैं और एक में डाल दी है साबुत मूंग और कच्ची मूंगफली, किशमिश और बादाम वगैरह। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से धो लेते हैं। तो मैं तो बोल रही थी यहाँ पे ला के पानी डाल दो, इनमें मुझे आलस आ रहा था, बोलने लगे नहीं तेरे भी बस बोलते हैं फिर कि तू चीज़ों को जो है ना धोती नहीं है, तो धोने वाला प्रोसेस भी दिखाई दिया कर तो सही रहेगा, बेफालतू के कॉमेंट ही आते हैं। चले कोई बात नहीं, यहाँ पर सब चीज़ों को धो के लेके आ गए हैं ये और मुझे बड़ा आलस आ रहा है, मतलब नींद आ रही थी। एक बार नींद टूट जाती है तो फिर मुश्किल पड़ जाती है आनी। तो बस यहाँ पे पानी डाल रहे हैं, तो इनमें क्या करना है, हमें 2-4 घंटे के लिए, रात में भिगो रहे हैं तो पूरी रात के लिए पानी डाल के छोड़ देना है, तो सुबह तक ना ये बहुत ही अच्छे से फूल जाती है। तो दोनों ही चीज़ों को फुलो दिया है नींद नींद में, ठीक है। कौन ऐसा करता है जो 10:30 बजे रेसिपी दिखाए? अब देखें यहाँ पे बोले अपना चेहरा भी दिखा दे, पता चल जाएगा कि तो नींद में कैसी लगती है। तो बेचारों ने सारा काम अपने आप से निपटा दिया। सुबह के 6:15 बज चुके हैं, मतलब सुबह का टाइम हो चुका और आप देख रहे हैं ना यहाँ पर भगवान जी को नहलाने की तैयारी हो रही है। इनके जो टॉल वगैरह है वो निकाल के रखे हुए हैं, गिलासियों में पानी रखे हुए हैं, छोटे से हमारे भगवान जी हैं, छोटे छोटे गिलासी में ये नहा लेते हैं। तो ये सब तैयारी मेरे हस्बैंड कर रहे हैं। मैंने सोचा कि मतलब सही रहेगा आपके साथ ही क्लिप शेयर कर लेती हूँ, नहीं तो ऐसा लगता है कितनी बार जैसे मतलब झूठ, कुछ कमेंट ऐसे भी आ जाते हैं कि झूठ बोल रहे। तो देखिए सुबह का ही टाइम है, आज सबसे पहले मेरे घर में मेरे हस्बैंड नहाते हैं, उनके बाद बच्चे नहाते हैं, उसके बाद मैं नहाती हूँ। लेकिन आज मेरे हस्बैंड के बाद मैं नहा ली थी, उसके बाद यहाँ पर बच्चे टहल रहे हैं, आलस उतार रहे हैं। आज संडे का दिन भी है तो थोड़ा सा आलस में हैं बच्चे और यहाँ पर मेरे हस्बैंड कर रहे हैं मंदिर के बर्तन वगैरह साफ। और मैं आ चुकी हूँ किचन में क्योंकि आज मुझे रेसिपी शूट करनी थी, इसी वजह से मैं पहले नहा चुकी थी। तो 6 बजे करीब मैं नहा ली थी और अब 6:15 बजे का टाइम हो रहा है। अभी से काम को जोड़ दूंगी तो टाइम पे बच्चों को चाय नाश्ता मिल जाएगा, वही 8:30-9 बजे तक, नहीं तो फिर लेट में लेट ही हो जाता है। तो सभी चीज़ें अच्छे से ना यहाँ पर फूल चुकी थी। अब ये जो हमने चने, छोले और राजमा भिगो के रखा था, इसका मैंने एक बार पानी निकाल दिया था और यहाँ पर पानी के साथ ही इनको डाल दिया है, बहुत ही अच्छे से फूल लेते हैं। थोड़ा सा पानी और भी डाल लेते हैं। सारे जो मैंने यहाँ पर ये चने छोले वगैरह लिए हैं सारे रेसिपी में नहीं जाएंगे, इसकी मैं सब्जी भी बनाऊंगी 1 चम्मच के जितना। मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया है और इसका ढक्कन लगा के रख दिया है। अब आप तो जानते ही हैं ना कि आजकल बारिश का मौसम हो रहा है, 4-5 दिन से ना बारिश लगातार हो रही है, बारीक बारीक बारिश, तो थोड़ी थोड़ी ना ठंड भी हो चुकी है यहाँ पर। ये मेरी बेटी, इसको ठंड बहुत लगती है, तो जब तक मैं नीचे से आई इसने अपना पानी गर्म कर लिया था, तो मैं उसको आज गर्म पानी दे रही हूँ। बोली है मम्मी सर्दी आ चुकी है, रजाई वगैरह भी निकाल लो। इन्हें क्या पता ये गर्मी की जो है बरसात है, कभी ठंड लगती है कभी गर्मी लगती है। चलिए कुकर में 2-3 मैंने सीटी लगा दी थी और जो मुझे सामान चाहिए था वो भी मैंने यहाँ पर कट कर लिया था। दरअसल इसके साथ साथ मैं और भी यहाँ पर रेसिपियाँ शूट कर रही हूँ, तो मैंने सोचा सभी रेसिपियों में सेम सामान जाएगा तो मैं एक ही साथ शूट कर लेती हूँ, मेरा टाइम भी बच जाएगा। और कितनी बार ना कभी कोई सामान नहीं होता है घर में, कभी कोई नहीं होता है, तो इनमें सारा ही सामान सेम जाने वाला था। सो मैंने यहाँ पर ये 3 रेसिपियाँ शूट की थी आज। आप बोलोगे अनीता कैसी बात करती है। चलिए भाई जो है छोले चने गल चुके थे, मैंने उनको निकाल लिया है, एक बाउल में ले ली है। करीब मैंने यहाँ पर ये 300 ml के जितनी
300 ग्राम के जितनी दही। तो ये नाश्ता केवल मैं अपने हस्बैंड के लिए ही बना रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा सभी सामान डाल लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर ये चने छोले राजमा डाला, फिर कटी हुई थोड़ी शिमला मिर्च डाली, थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए हरी मिर्च डाली, और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने कटा हुआ पनीर डाल दिया है। साथ में डाला है थोड़ा सा खीरा और आधा टमाटर डाल दिया है। टमाटर मैं बहुत कम डाल रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड पसंद नहीं करते हैं। साथ में ये फूली हुई मूंग डाल दी है मैंने, साथ में डाल दी यहाँ पर जो हमारी मूंगफली थी, बादाम थे और जो किशमिश थी। उसके बाद बस यहाँ पर चुटकी भर के जितना काला नमक डाल देना है, वो थोड़ा सा चाट मसाला डाल देना है। आप चाहे तो यहाँ पर हल्का सा जीरा भून के भी डाल सकते हो। और ये लीजिए, ये बन चुकी है हमारी एक हेल्दी और बहुत ज़्यादा टेस्टी चाट, बोल सकते हो, क्या बोलते हो मुझे नहीं पता है। आपको याद होगा कोरोना में जब लॉकडाउन लगा था ना, तो मेरे हस्बैंड भी ऑफिस से घर पे ही आ गए थे और ये घर से काम कर रहे थे। ऑफिस का काम कम होने के वजह से इनका घर पे मन नहीं लगता था, तो ये खेतों में काम करने के लिए चले जाते थे। और सवेरा 5:30 बजे चले जाते थे, और जब तक तो मैं उठती भी नहीं थी, और बोल के चले जाते थे कि कुछ ऐसा नाश्ता बना के भिजवा देना जो मुझे अच्छा भी लगे और आसान से डाइजेस्ट भी हो जाए। क्योंकि ये चाय वगैरह पीना, पराठे वगैरह खाना, हैवी नाश्ता पसंद नहीं करते हैं, इनको इस तरीके का नाश्ता ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं इसको बना के ना खेत में दे के आती थी, इनके साथ और भी कोई खाता था, उनको बहुत अच्छा लगता था ये।